नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर के आदिवासी किसान अपनी नई पहचान स्थापित कर रहे हैं, जिसकी वजह है कोलिंग और दरभा की पहाड़ियों पर उगाई जा रही बस्तर कॉफी। 2017 में प्रायोगिक तौर पर उद्यानिकी विभाग द्वारा 20 एकड़ में शुरू की गई कॉफी की खेती अब किसानों के खेतों तक पहुँच चुकी है। साल 2017 में 20 एकड़ में लगाई गई कॉफी से 2021-22 में 9 क्विंटल कॉफी का उत्पादन किया गया, जिसके बाद उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों और स्व सहायता समूह की महिलाओं को कॉफी की प्लांटिंग और प्रोसेसिंग से लेकर मार्केटिंग तक के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2021 की पहली परियोजना के अंतर्गत 100 एकड़ की जमीन पर डिलीमिली में 34 किसानों के एक समूह द्वारा खेती की जा रही है। आपको बता दें, यह एक अपलैंड यानी कि बंजर खेती है, जिस पर पहली बार कॉफी उगाई जा रही है। वहीं दूसरी परियोजना के अंतर्गत कांदानार पंचायत के एक गांव में 24 किसान 100 एकड़ में कॉफी की खेती कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये किसान वन अधिकार पट्टा वाली जमीन पर खेती कर रहे हैं। वहीं तीसरी परियोजना के अंतर्गत मुंडागढ़ की पहाड़ियों पर दुर्लभ किस्म की कॉफी उगाई जा रही है। यह परियोजना राज्य सरकार की DMFT फंड और नीति आयोग के सहयोग से संचालित हो रही है। हार्टिकल्चर कॉलेज के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर KP सिंह के अनुसार, शुरुआती दौर में सेंड्रेमन किस्म को दरभा में लगाया गया था, जो कि भारत की सबसे पुरानी कॉफी की किस्मों में से एक है। साल 2018 में यह कॉफी की अरेबिका और रोबोस्टा किस्म का प्रोडक्शन भी शुरू किया गया। फिलहाल 2018 की प्लांटिंग की हार्वेस्टिंग की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल फरवरी में लगभग 15 क्विंटल कॉफी का प्रोडक्शन हो सकता है। KP सिंह ने बताया कि दरभा में 20 एकड़ में खेती की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे किसान के खेतों तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की पहल से बस्तर जिले में 200 एकड़ में कॉफी की खेती की जा रही है। बस्तर कॉफी का प्रोडक्शन किसानों के द्वारा प्रोसेसिंग, स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा मार्केटिंग, बस्तर कैफे के द्वारा किया जा रहा है, जिससे किसानों को उत्पादन का सही दाम मिलेगा। बिचौलियों से किसान बचेंगे और स्व सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिस तरह से CCD और स्टारबक्स की कॉफी प्रसिद्ध है, बस्तर कैफे आउटलेट भी दुनिया भर में बस्तर कॉफी को नया आयाम देगी, जिसके लिए बस्तर कैफे को देश के बड़े शहरों तक पहुंचाने पर काम किया जा रहा है। बस्तर में कॉफी के प्रोडक्शन से जहां किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, वहीं स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, जिससे इन आदिवासी क्षेत्रों में काफी हद तक पलायन रुका है। परियोजना के माध्यम से 2017 से लेकर अब तक 60 लाख रुपए का रोजगार दिया जा चुका है। यहां काम करने वाले मजदूर सालाना 38,000 से 45,000 रुपए तक की आय प्रति परिवार प्राप्त करते हैं। आज दरभा जैसे सुदूर ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र बस्तर की कॉफी का गढ़ बन रहा है और इसकी पहचान कॉफी की खेती के लिए हो रही है। बस्तर की कॉफी की एक खास बात यह भी है कि यह पूरी तरह से फर्टिलाइजर मुक्त है, जिसकी वजह से इसे ऑर्गेनिक कॉफी भी कहा जा सकता है। जिला मुख्यालय जगदलपुर में स्थापित बस्तर कैफे बस्तर कॉफी की ब्रांडिंग करता है, जहाँ पर्यटक और स्थानीय निवासी बस्तर कॉफी का स्वाद ले रहे हैं। वही विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट में भी महिलाएं बस्तर कॉफी बेच रही हैं। देखिए जगदलपुर से विजय पचौरी की ये खास रिपोर्ट। कॉफी प्लांटेशन को लेकर बस्तर में हमेशा से अच्छा एक प्रयास किया जा रहा था। जैसे उदाहरण स्वरूप, आज से 4 साल पहले यहाँ पे कॉफी प्लांटेशन को एक प्रयोग के रूप में दरभा में लगाया गया था और उसके इतने अच्छे परिणाम आए कि आज उस एरिया को हम लोग एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। आज की तारीख में लगभग ऐसे 90 हितग्राही हैं जिन्होंने वन अधिकार मान्यता पत्र जिनको मिला था, उनके भूमि को हम लोग सामुदायिक फेंसिंग के तहत करके सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा के वहाँ पे आज कॉफ़ी प्लांटेशन हो रहा है। लगभग 350 हेक्टेयर में कॉफ़ी प्लांटेशन का कार्य जो है वो किया जा रहा है। आगामी आने वाले टाइम में यहाँ के जो किसान हैं, कहीं ना कहीं वो एक नया फसल की तरफ जा रहे हैं, और जो एक चक्र होता है जिसमें हम लोग बार बार धान ही उगाते हैं, जबकि उसका आर्थिक जो मूल्य हो सकता है वो उतना ज़्यादा ना हो, अगर वो कॉफ़ी का प्लांटेशन करते हैं तो इसका मार्केट भी बड़ा है, काफ़ी विविड है, काफ़ी ये इससे प्रॉफिट भी आने का गुंजाइश है, तो ये किसानों के लिए बहुत उपयोगी होगा। और आज कहीं ना कहीं बस्तर में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जो बात करते हैं, फसल चक्र परिवर्तन की बात करते हैं, वो साकार हो रहा है और ये कैश क्रॉप है और इसमें पर्याप्त जो है बस्तर जिले में काम भी हुआ है, चाहे वो हमारा रिसर्च का काम हो, चाहे वो ग्राउंड पे खेती का काम हो, किसानों को प्रशिक्षण का काम हो, उन्नत किस्म के यहाँ पे बीज उपलब्धता का बात हो, सभी क्षेत्रों में यहाँ बढ़िया काम हो।
आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर। आपके हक की बात।